पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, एयं खुणानिनो सारं जंगन हिंसति कंचनम अहिंसा समयं चेव एयावंतं धियानिया। अहिंसा काफी व्यापक शब्द प्रतीत हो रहा है और अहिंसा बहुत प्रिय भी हो सकती है और धर्म शास्त्रों में तो अहिंसा का बहुत ही महत्व है। जीव हिंसा से विरत रहना, शास्त्र में कहा गया, कोई ज्ञानी आदमी है जिसने अध्यात्म का और का ज्ञान प्राप्त किया है तो ज्ञानी के ज्ञानी बनने का सार यह निकलना चाहिए कि वह किसी की हिंसा नहीं करता, हिंसा न करे। अहिंसा के लिए समता भाव भी अपेक्षित है, समता होने से फिर अहिंसा भी सहज हो सकती है। समता कारण और अहिंसा कार्य भी संभवतः बन सकता है कि समता कारण है, अहिंसा कार्य है। समता है तो अहिंसा हो सकती है। आदमी जो गृहस्थ जीवन में रहता है, क्योंकि साधुओं की तो खैर बहुत बड़ी बात है, उनका तो अहिंसा महाव्रत होता है और जीवन भर के लिए जब वे अहिंसा महाव्रत को स्वीकार कर लेते हैं और उसका पालन करते हैं तो वे कितने हिंसा मुक्त जीवन जीने वाले बन सकते हैं। हिंसा और अहिंसा मूलतः चेतना में है। एक श्लोक है, आया चेव अहिंसा आया हिंसत्ति मृच्छ ओ एष जो हो अपमत तो अहिंसो हिंसो इयरो। आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है, यह निश्चय नहीं की बात है। जो अप्रमत्त है वह अहिंसक है, जो प्रमादी है प्रमत्त है वह हिंसक होता है। तो हिंसा अहिंसा का भीतर से मूल संबंध है। बाहर क्या घटना घट रही है और भीतर में क्या स्थिति है, एक भूमिका में कि बाहर में हिंसा हो भी गई तो भी पाप कर्म का बंद नहीं होता। एक वीतराग साधु चल रहा है और चलते चलते कोई जीव मर गया, पैर के कारण पैर के नीचे आके किसी भी रूप में जीव मर गया तो हिंसा तो हो गई, परंतु उस वीतराग साधु के उस हिंसा से कोई पाप कर्म का बंध नहीं होता, वह पाप का भागीदार नहीं होता। क्योंकि हिंसा की घटना मात्र बाहर है,
वीतराग साधु के भीतर कोई हिंसा का भाव नहीं है, इसलिए यह कर्म बंध में हमारे भीतर के भाव की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। भीतर में अहिंसा है तो जानबूझकर आदमी दुर्भावना से तो हिंसा बाहर भी कैसे कर पाएगा। तो यह द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा यह एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि कहीं द्रव्य हिंसा है और भाव हिंसा नहीं है, कहीं भाव हिंसा है परंतु द्रव्य हिंसा नहीं है, कहीं द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है, कहीं न द्रव्य हिंसा है और न भाव हिंसा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि साधु वीतराग है, चल रहा है, कोई जीव बाई चांस उसके पैर से मर गया तो साधु के वह भाव हिंसा नहीं है, द्रव्य हिंसा है, मात्र बाहर की हिंसा है, साधु के भीतर कोई हिंसा का भाव नहीं है, तो वह साधु पाप का भागी नहीं है। तो वो जो जीव मरा है वह द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। एक आदमी शिकार करने की दृष्टि से किसी हरिण को मारने के लिए कोई शिकारी बाण छोड़ता है, बाण छोड़ दिया मारने की भावना से ही, परंतु वो बाई चांस वो हरिण थोड़ा इधर उधर हो गया तो बाण हरिण के लगा नहीं, बाण विफल हो गया, हरिण मरा नहीं। तो अब यहाँ द्रव्य हिंसा तो नहीं है, हरिण मरा तो नहीं है, पर शिकारी ने तो अपनी ओर से मारने का प्रयत्न कर ही लिया, उसके तो भीतर हिंसा का भाव था, तो वह भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है। अब द्रव्य हिंसा भी भाव हिंसा भी, शिकारी ने वो बाण छोड़ा मारने के लिए और वो हरिण के लग जाता और मर जाता तो द्रव्य हिंसा भी हो गई और भाव हिंसा भी हो गई। अब चौथा विकल्प है कि न द्रव्य हिंसा और न भाव हिंसा, कि साधु चल रहा है इरिया समिति पूर्वक, साधु सवेरे वहां से चले यहां पहुंचे, अगर मान लो इरिया पूर्वक पूरे जागरूक थे, एक भी जीव मरा भी नहीं साधुओं के पैर से, तो वो साधुओं के अब न द्रव्य हिंसा न भाव हिंसा, तो मन भी अगर शुद्ध था जीव भी नहीं मरा, जागरूकता थी, तो यह न द्रव्य हिंसा और न भाव हिंसा। तो मूलतः यह भाव हिंसा है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हालांकि द्रव्य हिंसा से भी बचाव रखें, पर कभी कदाचित हो भी गई तो भाव हिंसा तो हो ही नहीं, यह ज़्यादा संभवतः ध्यातव्य है कि मेरे से भाव हिंसा तो हो ही न जाए। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे अपने जीवन में गार्हस्थ्य में रहते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके अहिंसा पूर्ण व्यवहार करने का, अहिंसा को अपनाने का, अहिंसा को रखने का प्रयत्न करें, यह कल्याणकारी बात है। अब गृहस्थों के जीवन में कैसे अहिंसा व्यवहार में आ सकती है और भीतर में भी रह सकती है, किसी भी पशु पक्षी या बड़ा पेड़ इनको मारने से बचना कि मैं किसी को नहीं मारूं, न किसी पशु को मारना, न पक्षी को मारना, न बड़े पेड़ को काटना, यह संकल्प है तो मानना चाहिए। इस माने में आप गृहस्थों के जीवन में भी एक वो अहिंसा की चेतना है कि मुझे किसी को नहीं मारना, हिंसा से बचना है एक सीमा तक। अब दूसरी बात देखिए,
कभी नॉन वेद नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना, देश विदेश होटल हॉस्टल हॉस्पिटल कहीं भी जाना हो जाए मुझे नॉन वेद को नकारना, नॉन वेज नो, नो नॉन वेज, नो नॉन वेज, यह एक संकल्प है कि नॉन वेज कहीं मेरे प्रयोग में काम में न आ जाए, तो यह भी एक अहिंसा की चेतना है। अब तीसरी बात देखिए, कभी जितने ये ज़्यादा जीव जमीकंद हैं कि लहसुन है, प्याज है, शकरकंद, गाजर के, इनसे भी इस प्रकार की जो जमीकंद जितना संभव हो सके मैं अपने भोजन में इन चीज़ों के भक्षण से बचूं। अनंत अनंत जीव जहाँ बताए गए, थोड़े से हिस्से में भी कितने अनंत जीव, कि ऐसी वनस्पति को भी नॉन वेज तो नो हो ही गया, अब जो वेज है उसमें भी अनंत जीवों की जो ये चीज़ें हैं लहसुन प्याज आदि, कि इनके सेवन से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करूं अहिंसा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से, तो यह भी एक अच्छी बात है, वह भी एक अहिंसा की चेतना है कि मेरे द्वारा किसी को फालतू तकलीफ में देने का प्रयास न करूं, कि व्यवहार में भी वचन से भी मैं किसी को बिना मतलब कठोर कटु भी न बोलूं। मैं क्यों किसी को कटु बोलूं? जहाँ तक हो सके कटु शब्दों से मैं बचने का प्रयास रखूं, अच्छी भाषा का प्रयोग करूं। अब कटु भाषा से न बचना यह भी एक अच्छी चेतना है, कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा बचना कटु भाषा से, आवेश में गुस्से में नहीं बोलना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है मुझे, कहीं पर भी रहूं, परिवार में रहूं, व्यापार के स्थल में रहूं, समाज में रहूं, कहीं पर भी ज़्यादा मुझे गुस्सा नहीं करना है, और जीवों के प्रति दया करुणा की, मेरी ओर से तकलीफ किसी को न पड़े, कि चींटियां है दिख रही है, इतनी चींटियां हैं इनके ऊपर पाँव क्यों दो, इधर भी तो रास्ता पड़ा है, तो चींटियों के ऊपर पाँव क्यों रख, तो मेरी मेरे पाँव से क्यों फालतू चींटियों की हिंसा हो जाए। सांप भी निकल गया तो भी सांप को भी जहाँ तक हो सके जान से नहीं मारना, दूर छोड़ना छुड़वाना एक बात है, पर जान से सांप को भी नहीं मारना, जहाँ तक हो सके किसी को जान से नहीं मारना है। तो इस प्रकार यह गृहस्थ के जीवन में अहिंसा का समावेश हो सकता है। रात को खाने का परित्याग रखे भी, कम से कम 11-12 बजे बाद तो खाना नहीं खाएं, अब तो ये भी रात में भी कोई जीव हिंसा हो सकती है खाना आदि खाने से, तो यह रात के 11-12 बजे बाद भोजन नहीं करने का एक मनोभाव संकल्प हो कि अब सूर्योदय तक ठीक है, दवाई पानी की कोई बात नहीं, अगार मान ले, बाकी खाना नहीं खाना है, ताकि रात में खाना खाने से कोई जीव हिंसा हो सकती हो उससे भी मेरा बचाव हो जाए। तो घट में दया, मन में दया कि भी किसी को तकलीफ हमें नहीं देना, फालतू कष्ट नहीं देना। कोई पक्षी भी खाना खा रहा है, चूगा 25-30-50 कबूतर बैठे हैं कि वहाँ उनके बीच में जाएंगे, उनके निकट भी जाएंगे तो वे भयभीत होकर उड़ जाएंगे, तो उनको भी तो तकलीफ पड़ सकेगी ना, तो उनके बीच में क्यों जाएं, रास्ता और ही पड़े तो उनके पास में भी क्यों जाएं, कबूतरों को उड़ना पड़े तो उनके भोजन में अंतराय मान लें, और भी उड़ेंगे वायुकाय की भी कहीं हिंसा हो जाए, वे भयभीत भी हो जाएं। तो यूँ यह अहिंसा की चेतना है कि पक्षियों को पशुओं को भी, कुत्ता भी सो रहा है, जहाँ तक हो सके उसके नींद में बाधा पैदा न करें, शांति से सो रहा है, हम क्यों इसको जगाएं उठाएं,
सोया सो रहा है, क्यों तकलीफ दें किसी। तो यूँ बात बात में हम अहिंसा का एक लक्ष्य रखें तो गृहस्थ जीवन में भी कितनी बहुत काफ़ी अहिंसा का पालन हो सकता है। और अहिंसा में यूँ कुछ तो हम देखें, पूर्णतया अहिंसा का पालन तो कठिन है, गृहस्थ भी हैं, अब उनके रसोई बनाते हैं और खेती बाड़ी कुछ करते हैं, वहाँ जीव की हिंसा तो हो सकती है। मान लें वह एक आवश्यक कोटि की हिंसा है कि इतना तो शरीरधारी को शरीर चलाने के लिए कुछ तो करना होता है सामान्यतया, तो वो एक आरंभजा हिंसा, एक आवश्यक कोटि की हिंसा, रसोई पानी खेती बाड़ी ऐसी चीज़ों में जो हिंसा होती है। किंतु इरादतन अमुक को मारना, कष्ट देना, इस इरादे से संकल्प से किसी को मारना, वो हिंसा तो गृहस्थ न करे, संकल्प जा हिंसा से बचे। साधुओं की तो ऊंची अहिंसा है, धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग करवे जी रहे समभाव से, है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुसाध्य है, पर अणु व्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है, स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ, देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा परिहार्य है। कभी देश की रक्षा के लिए भी मान लो सेना में जाना पड़े, कुछ हिंसा करनी पड़ जाए मजबूरी में, तो वो भी मान लें देश की रक्षा के लिए है, परंतु बिना मतलब लोभ में आकर क्रोध में आकर किसी को मारने का लक्ष्य बनाकर मारना, इस प्रकार की हिंसा से तो गृहस्थ को भी जरूर बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यह अहिंसा की जो प्रेरणा है, अहिंसा की बात है, तो गृहस्थों का जीवन एक अहिंसक जीवन शैली वाला बने। खेती बाड़ी में भी जो हिंसा जरूरी न हो, जीवों को हिंसा करना मारना वो जितना बचा जा सके खेती बाड़ी में भी उतना यथासंभवतया बचने का प्रयास करना चाहिए। और भी किस प्रकार का व्यवसाय धंधा आदमी करता है, ऐसे व्यवसायों से भी जहाँ बहुत हिंसा का काम हो, ऐसे व्यवसायों से भी जितना बचा जा सके, मछलियों का और का ऐसा कोई व्यवसाय हो भी इन सब से जितना बचा जा सके, जहाँ हिंसा जितना बचाव हो व्यवसाय में भी उसका यथासंभवतया ध्यान दिया जाए। और नशीली चीज़ें हैं और हैं, इनका निर्माण करना, इनको बेचना, वो भी एक श्रावक है, गृहस्थ है, जितना संभव हो सके कि ऐसी चीज़ों से बचाव हो। तो ये अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा एक महान धर्म है,
और भी यूँ अहिंसा है, सत्य, अतौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, तो ये सभी धर्म हैं। तो धर्म अपने आप में ही महान है। तो हमारे आचार में, व्यवहार में, संस्कार में, विचार में, विचार, आचार, संस्कार, व्यवहार सब में अहिंसा पुष्ट रहे, और हमारे व्यवहार में भी अहिंसा झलके। भी कितना अच्छा आदमी है, हिंसा से बचने का प्रयास करता है, फालतू लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों से बचता है, कि फालतू लड़ाई झगड़े में जाना ही क्यों चाहिए। राड आदि बाढ़, राड़ के आगे तो बाढ़ रखो, फालतू लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं। हमें क्यों लड़ाई झगड़ा फालतू करें, शांति से रहें, दूसरों को भी शांति से रहने दें, खुद शांति में रहो या दूसरों को शांति में रहने दो। यह एक अहिंसा का सूत्र बन सकता है, भी खुद भी शांति में कसाय मंद रखो, शांति में रहो या दूसरों को शांति से, शांति में दूसरों की शांति को भंग मत करो, तकलीफ मत दो किसी को अपनी ओर से। तो शांति में रहो और शांति में रहने दो, अपनी ओर से तकलीफ मत दो किसी को। तो यह एक अहिंसा और शांति, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वो गीत भी था, शांति का संदेश, महावीर जयंती के अवसर पर वो गुड्डा मालानी उधर जब थे, गुरुदेव विराजमान थे अहमदाबाद पधारने से पहले वो जो, तो शांति का संदेश, शांति का संदेश। तो ये शांति है, तो अहिंसा है तो शांति भी रहेगी, अहिंसा नहीं है तो अशांति हो सकती है। तो हम सभी ये माँ अहिंसा, अहिंसा को माता कहा गया, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन सम भाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। दानान सिठं अभयप्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्तेरो।